द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजरायली हमले में एक फिलिस्तीनी पत्रकार हंसते हंसते शहीद हो गया। आपको बता दें कि उसने शहीद होने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलिस्तीनी न्यूज मीडिया कंपनी इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर कर रही हैं और साथ ही ये भी कह रही हैं, ये भी बता रही हैं कि इजरायली हमले में अब तक 8 पत्रकारों की जान जा चुकी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने गाजा शहर में किस तरह से तांडव मचा रखा है। इजराइल आम लोगों को तो निशाना बना ही रहा है, लेकिन साथ ही उन पत्रकारों को भी निशाना बना रहा है जो इजरायली सेना की कार्रवाई या फिर यूं कहें कि इजरायली सेना का जो आतंक गाजा शहर में है उसे कवर कर रहा है, उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब तक 8 पत्रकारों की जान जा चुकी है। आपको वीडियो दिखाते हैं कि जो पत्रकार शहीद हुआ है, फिलिस्तीनी पत्रकार जो शहीद हुआ है और उसने शहीद होते होते शहीद होने से पहले क्या बातें कही हैं, क्या वीडियो रिकॉर्ड किया है वो आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर वॉर मॉनिटर का ये वीडियो देख रहे हैं, ये ट्वीट देख रहे हैं। वॉर मॉनिटर के बारे में आपको बता दें, वॉर मॉनिटर एक न्यूज एंड मीडिया कंपनी है जिसके हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। वॉर मॉनिटर के ट्विटर हैंडल पर, इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हमास और इसराइल के बीच जो कुछ हो रहा है उससे तमाम जुड़ी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। और वॉर मॉनिटर ने ही ये वीडियो शेयर किया है, इसी के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो। यहाँ पर वॉर मॉनिटर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, कैप्शन यहाँ पर दिया है, दिवंगत पत्रकार हिशाम अल नवाजा का आखिरी वीडियो। कल रात गाजा पर कब्जे वाले बमबारी में शहीद होने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें पत्रकार जो है वो क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इसमें जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होती और मुजाहिदीन के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो उन्हें लड़ने की सलाहियत दे। अल्लाह हम सबको सब्र दे, अल्लाह हम सबको अमन व अमान में रखे, अमन में शांति में रखे। तो पत्रकार ये बात कह रहे हैं और उसके बाद वो हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। आप भी उनका ये वीडियो पत्रकार का वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को कई न्यूज मीडिया कंपनी जो है वो शेयर कर रही है। वॉर मॉनिटर के बारे में आपको बताया जो खबर का सोर्स है। इसी के साथ इस खबर को, इस तस्वीर को, इस वीडियो को जो है वो कुदुस न्यूज नेटवर्क ने भी यहाँ पर शेयर किया है। कुदुस न्यूज नेटवर्क के बारे में आपको बताते चले, कुदुस न्यूज नेटवर्क एक मीडिया न्यूज कंपनी है जो कि फिलिस्तीन की है, फिलिस्तीन की है और फिलिस्तीन को लेकर तमाम खबरें जो हैं, जो कुछ चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, वो तमाम जुड़ी जानकारियां जो है आपको कुदुस न्यूज नेटवर्क पर मिल जाएंगी। तो इसी के हवाले से हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें पत्रकार की तस्वीर शेयर की है। आपने पत्रकार का वीडियो देखा होगा तो उसमें उन्होंने प्रेस की जैकेट पहन रखी है और पीछे जो है वो कैमरा भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर उन्हीं पत्रकार की तस्वीर शेयर करते हुए जानकारी दी है कि फिलिस्तीनी पत्रकार हिशम नवाज को गाजा शहर के अल रिमल पड़ोस में इजरायली युद्ध अपराधों को कवर करते समय इजरायली हवाई हमले में निशाना बनाए जाने के बाद मृत घोषित कर दिया है। दो अन्य पत्रकार मोहम्मद सुबह और सईद अल तवीब को पहले ही इजरायली बमबारी में मृत घोषित कर दिया है। इसे गाजा पर आक्रमक की शुरुआत के बाद से इजरायल द्वारा मारे गए पत्रकारों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। तो कुदूस न्यूज नेटवर्क ने ये जानकारी दी है कि अब तक जो इजराइल ने गाजा पर हमले किए हैं उसमें 8 पत्रकारों की जान जो है वो चली गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुदूस न्यूज नेटवर्क यहाँ पर एक और ट्वीट करता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पत्रकार जो है वो अपने सहयोगियों के अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हैं, उनके जनाजे में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि गाजा में पत्रकार अपने सहयोगियों मोहम्मद सुबह और सईद अल तवील के अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं, यानी कि जनाजे में भाग लेते हैं। और जो गाजा शहर के पश्चिम में इजरायली बमबारी से खतरे में पड़ी एक इमारत को खाली कराने के दौरान कल रात इजरायली हवाई हमले द्वारा निशाना बनाने जाने के बाद बेरहमी से मारे गए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 8 पत्रकारों की बातें कही जा रही हैं कि 8 पत्रकार जो हैं वो अब तक शहीद हो गए हैं। कुदूस न्यूज नेटवर्क का एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें दो पत्रकारों की तस्वीर शेयर है। इसमें बताया है कि गाजा में सरकारी मीडिया कार्यालय ने इन पत्रकारों की मौत पर दुख व्यक्त करके एक बयान जारी किया है। बयान क्या है कोट करते हुए लिखा है, हम अपने दो साथी पत्रकार
मोहम्मद सुबो और सईद अल तवील के प्रति शोक व्यक्त करते हैं, जो कल रात गाजा शहर के पश्चिम में इजरायली बमबारी से खतरे में पड़ी एक इमारत को खाली कराने के दौरान इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। तो ये हालात आप देख रहे हैं, जो पत्रकार इजरायली हमले को कवर कर रहे हैं और दुनिया के सामने उनकी सच्चाई रख रहे हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। और अब तक 8 पत्रकारों की जान जो है वो इजरायली हमलों में जा चुकी है। कुदूस न्यूज नेटवर्क ने एक वीडियो यहाँ पर और शेयर किया था, जिसमें एक पत्रकार कवरेज के दौरान किस तरह से रोने लगता है, ये वीडियो यहाँ पर था। ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि फिलिस्तीनी पत्रकार मुआताज मशाल गाजा पर इजरायली की जारी आक्रमकता को कवर करते रो पड़े। अब एक पत्रकार कवर करते वक्त ग्राउंड पर रो रहा है, तो आप हालातों का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। इससे पहले कई हम सोशल मीडिया के हवाले से तस्वीरें खबरें देख रहे हैं, कई इंटरनेशनल न्यूज मीडिया कंपनी के हवाले से हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि जिसमें इजराइल किस तरह से जो है वो आम लोगों पर, सिविलियंस पर, और जो वहाँ के स्टोर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल के आसपास की बिल्डिंग हैं, इमारतें हैं, उन पर जो है वो मिसाइलें दाग रहा है, हमला कर रहा है। मिलर टाइम्स ने भी वीडियो एक शेयर किया है पत्रकार का, जिसमें गाजा की एक पत्रकार रोते रोते बताती हैं कि उनके दोस्त जो कि उनके सहयोगी भी थे, उनके साथ पत्रकारिता भी करते थे, सिर्फ 21 साल उनकी उम्र थी और उन्हें इजराइल ने अपने हमले में मार गिराया। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं मिलर टाइम्स का, इसमें लिखा है कि इजरायली कब्जे ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। गाजन की पत्रकार यारा ईद ने अपने 21 वर्षीय दोस्त और सहकर्मी इब्राहिम लाफी की इजराइल द्वारा हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वो शनिवार को इरेज चेक पॉइंट के पास रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब इजरायली आर्मी ने उनका कत्ल कर दिया। तो आप जो माहौल है उन माहौलों को साफ साफ देख सकते हैं, किस सोर्स से, किस ट्विटर हैंडल से, किस मीडिया न्यूज कंपनी से खबरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वॉर मॉनिटर की खबर हमने आपको दिखाई, जो मीडिया न्यूज कंपनी है, साथ ही कुदूस न्यूज नेटवर्क जो फिलिस्तीन की न्यूज मीडिया कंपनी है, उसी के हवाले से हमने आपको ये खबरें दिखाई और दिखाई कि किस तरह से पत्रकार जो है वो वहां पर शहीद हो रहे हैं और पत्रकारों की संख्या जो है, जो शहीद होने वाले पत्रकार हैं उनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से इजरायली हमले में लगातार पत्रकारों की मौत हो रही है, लगातार पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, और हाल ही में आपने एक वीडियो देखा कि किस तरह से एक पत्रकार हंसते हंसते शहीद हो गया, उससे पहले जो उन्होंने वीडियो बनाया था वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।